अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उस्मान खान हाजिर हूँ आज की एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। बनाने जा रहा हूँ मैं नली निहारी, बहुत ही मज़े की नली निहारी बनाएंगे घर के मसाले के साथ। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। आइए स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं आपको कि किस तरह हम बना सकते हैं घर के अंदर ये बेहतरीन नली निहारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं आज की ज़बरदस्त बीफ निहारी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमारे पास मसालों में क्या है। हमारे पास है कश्मीरी मिर्च 2 अदद, 6-7 अदद हमारे पास है गोल वाली मिर्च, काला ज़ीरा है 1/2 टीस्पून, थोड़ी सी हम टाटरी ले रहे हैं चुटकी पर 1/2 टीस्पून, काली मिर्च है, बड़ी इलायची है हमारे पास, सौंफ है 1 टीस्पून, कलवंजी है चुटकी पर, पीपली के 2 पीस हैं, 1 चाय का चम्मच हमारे पास सॉल्ट है। ये मिक्स गर्म मसाला है। ये ताज़ा मसाले जाएंगे पीसिंग के इसको, और फिर इसे बनाएंगे आज की मज़ेदार बीफ निहारी। तो सबसे पहले हमने इसको पीस लेना है। जी तो मसाला पीस कर आ चुका है, तो इस पाउडर फॉर्म में हो गया है। और ये सारी चीज़ें हमारी, हमारे पास है ये नली है 1/2 केजी, और जो गोश्त है निहारी का वो 1/2 केजी है। एक प्याज हम ले रहे हैं, 1/2 कप ऑयल यूज़ करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले हमने पॉट के अंदर डालना है ऑयल, इसके अंदर शामिल कर देते हैं प्याज, इसको हमने करना है ब्राउन। प्याज को हमने अच्छे से ब्राउन करना है। प्याज अच्छे से गोल्डन हो चुका है, यहाँ पे इसको पानी का छट्टा हमने दे देना है। अच्छा जी, थोड़ा सा पानी हमने शामिल कर दिया है ताकि प्याज हमारी इसी तरह रहे, इससे ज़्यादा काले ना हो जाए। तो अब शामिल कर देते हैं इसके अंदर मसाला जो आपको दिखाया, घर का मसाला, ये मिक्स कर दिया मैंने। अब इसके अंदर मैंने जो मीट आपको बताया है, नली है और इम्बास निहारी का गोश्त है, ये शामिल कर लेते हैं, और इसको हमने अच्छा सा भूनना है। इसको अच्छा सा मिक्स करना है। तो जी गोश्त को हम भून रहे हैं 5-7 मिनट तक, अच्छे से हमने भूनना है इसको। कश्मीरी मिर्च का ज़बरदस्त कलर इसके अंदर आ रहा है, जो आपको बिल्कुल जो एक्चुअल निहारी है घर के मसाले के साथ वही देगा, ज़बरदस्त फ्लेवर देगा। पीपली और सौंफ, इसके अलावा जो हमने इसके अंदर शामिल की है कलवंजी, ज़बरदस्त सा फ्लेवर कलर, बेहतरीन सा निहारी घर के अंदर तैयार होगा घर के मसालों के साथ। इस तरह से हमने बराबर इसको मिक्स कर लेना है। गोश्त अच्छे से भुन चुका है, 7-8 मिनट से मुसलसल भून रहे हैं, और ज़बरदस्त खुशबू आ रही मसाले की। यहाँ पे इसके अंदर मैंने पानी शामिल करना है जिसके अंदर बिल्कुल गोश्त डूब जाए, और फिर इसको रख देते हैं, पकने देते हैं 2.5 से 3 घंटे। मैंने इसके अंदर शामिल कर देना है पानी। अच्छा जी, पानी मैंने शामिल कर दिया है, 2 लीटर पानी शामिल कर दिया है, और अब जैसे इसको उबाल आएगा तो इसको मैंने ढक देना है, और इसको हल्की आग पे मैंने 2.5 से 3 घंटे पकाना है, जब तक हमारा गोश्त अच्छी तरह गल जाएगा। और फिर कुछ चीज़ें और शामिल करेंगे, दिखाते हैं आपको कि आगे इसका कि किस तरह से हमने बनाना है। ये बिल्कुल वही चीज़ें जो रेस्टोरेंट्स में बनती है, सीक्रेट मसाला है,
और घर का मसाला है, ज़बरदस्त सा कलर आप देख रहे हैं। तो आगे इसको और अच्छा बनाते हैं, दिखाते हैं आपको किस तरह से बनेगा। फिलहाल जिस तरह से उबाल आते हैं तो इसको मैंने ढक देना है। अच्छा जी, तो उबाल आ रहा है और अभी इसको हमने ढकना है। इसको मैंने मिक्स कर दिया है और इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं और इसको अच्छा टाइम हमने देना है, 2.5 घंटे तक कम से कम ये हल्की आग पे बनेगा। और आगे चल के दिखाते हैं आपको कि किस तरह से आगे हमने करना है। फिलहाल हम इसको ढक रहे हैं और इसको पकने देते हैं 2.5 घंटे तक। ओके व्यूअर्स, 3 घंटे बिल्कुल हरी की आग पे पकने के बाद मैंने चेक किया है, गोश्त बिल्कुल गल चुका है। और अब ये करेंगे कि इसके ऊपर से जो तरी है हम वो सेपरेट करेंगे, इसमें से जो मीट है और ये बोन्स ये निकालेंगे। गाढ़ा करने हमने वो आपको बताते हैं कि क्या चीज़ें शामिल कर। जी, तो गाढ़ा करने के लिए मेरे पास यहाँ पर भुना हुआ बेसन रखा हुआ है, ये 1/2 कप है। इसके अंदर मैंने पानी शामिल करना है और इसको मैंने अच्छा सा मिक्स करना है। अच्छा सा मिक्स करके मैंने शामिल करना है। अब जो बाकी ग्रेवी है इसके अंदर मैंने बेसन जो गोला है वो शामिल कर देते हैं। बराबर चम्मच लगाएंगे इसके अंदर। आमतौर पर लोग इसके अंदर मैदा शामिल करते हैं, लेकिन जो सीक्रेट चीज़ है वो बेसन है। बेसन आपके पास भुना हुआ रखा हो तो आपने शामिल करना है और उसको अच्छा सा थिक करना है। मैंने मीट और बोन्स निकाल दिए, जो ऊपर से तरी थी वो निकाल दी, सेपरेट कर दी। तो इसको हमने अच्छा सा गाढ़ा करना है और आपको दिखाऊँगा कि रेस्टोरेंट में जिस तरह या स्ट्रीट में जिस तरह से सर्व होता है उस तरह की सर्विंग आपको दिखाऊँगी इसकी। ये तो ग्रेवी जो है वो बिल्कुल जो सॉस है, बेसन शामिल करने के बाद मैं 20 मिनट तक अच्छे से पकाया है और बिल्कुल ये निहारी की जो यखनी है बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है और अच्छी सी पक चुकी है। और अब मैंने उसको निकालना है और दिखाना है आपको कि किस तरह से हमने सर्व करना, अच्छे से तैयार हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, मज़ेदार हमारी जो निहारी है बिल्कुल रेडी है। गोश्त अच्छे से गल चुका है, नली अच्छी सी गल चुकी है, ज़बरदस्त सालन तैयार हो चुका है। तरीका आपको बताते हैं, निहारी की जो ग्रेवी हमने गाढ़ी की वो निकाला, गोश्त जो अच्छे से गल चुका है वो शामिल कर देते हैं। यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ है जो तरी जो इसी की है वो हमने सेपरेट कर दी, वो इसके ऊपर शामिल कर देते हैं ऐसे। और इसके ऊपर हमने नली ये, और यहाँ पे मैंने शामिल कर देनी है नली। अदरक शामिल कर देते हैं, धनिया शामिल कर देते हैं और रख देते हैं लेमन। घर का मसाला है, बहुत प्यारी खुशबू है, अच्छा कलर है। बनाइए इस तरह, इंजॉय कीजिए इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये मज़ेदार निहारी पसंद आई होगी। ट्राई कीजिए इसको घर में, यही स्पाइसेस यूज़ कीजिए। अगर स्पाइसेस आपको मुश्किल लग रहे हैं, पैकेट वाला मसाला ले, सेम प्रोसेस फॉलो करें और बनाएं ज़बरदस्त निहारी घर के अंदर। लास्ट वाली ट्रिक,
बेसन भुना हुआ शामिल करें और एक्चुअल जो रेस्टोरेंट निहारी है उसका मज़ा लीजिए।